सबसे पहले सभी बोर्ड की बैठक जो हो रही है उसमें कुछ बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। एक तरफ जहां एफएनओ के नियमों में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है। दरअसल 30 जुलाई को सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था जिसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक ही एक्सपायरी पर फोकस की बात कही थी। स्ट्राइक कीमतों को तर्कसंगत करने की बात भी कही गई थी। इसके अलावा भी कई और बदलाव प्रस्तावित हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक आपके पास? बिल्कुल, जो सेबी की बोर्ड बैठक है वो अब भी जारी है। सुबह 10 बजे के आसपास शुरू हुई थी और एक लंच मीटिंग के बाद अब ऐसा समझा जा रहा है कि मीटिंग अब भी जारी है। और इसमें जो अहम मुद्दे जिन पर चर्चा होने की उम्मीद है, पॉलिसी मैटर्स के हिसाब से अगर देखें तो पॉलिसी मैटर्स कई सारे हैं जिन पर चर्चा होनी है, और नॉन पॉलिसी मैटर्स भी ऐसे हैं जिन पर भी चर्चा होगी। जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो प्रेफरेंशियल और राइट्स इशू का कॉम्बिनेशन लाना, फास्ट ट्रैक राइट्स इशू लाना, इसके अलावा जो ICDR और LODR रेगुलेशन हैं, लिस्टिंग के पहले और लिस्टिंग के बाद वाले जो नियम हैं उनमें कई सारे बदलावों की बात कही गई है ताकि गवर्नेंस कंपनियों में बेहतर हो, साथ ही डिस्क्लोजर भी बढ़ें। इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव की बात कही जा रही है जहां पर जो नेटवर्थ का क्राइटेरिया है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो दावे किए जाते हैं फंड्स की तरफ से या किसी ब्रोकर की तरफ से कि मेरा रिटर्न बहुत अच्छा है तो या बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, तो इस तरह के दावों की को तस्दीक करने के लिए परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी का फ्रेमवर्क लाने पर भी बोर्ड में लाने को भी बोर्ड से मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट के लिए नियम आसान करने की बात को भी बोर्ड से मंजूरी मिल सकती है। यहाँ पर जो सर्टिफिकेशन का नियम है कि हर 3 साल में परीक्षा पास करके सर्टिफिकेट वापस लेना होता है, इस नियम में रियायत दी जा सकती है। साथ ही कई और भी रियायतें जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट को दी जा सकती हैं ताकि इनकी संख्या जो है वो बढ़े। इसके अलावा जो छोटे मोटे नॉन कंप्लायंस होते हैं, जो इंटरमीडियरीज यानी ब्रोकर हैं या जो दूसरे और लोग मार्केट इंटरमीडियरी हैं, उनको समरी प्रोसीडिंग्स के दायरे में लाना यानी कि उनके लिए मामले का निपटारा करना जो है वो आसान करने पर भी बोर्ड फैसला ले सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड लाइट और नए एसेट क्लास यानी म्यूचुअल फंड और PMS के बीच में एक नया एसेट क्लास की पॉलिसी लाने पर भी बोर्ड से मंजूरी मिल सकती है। जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, इसके अलावा जो पी नोट्स हैं और ODIs हैं, उन सब के सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के लिए डिस्क्लोजर को कड़ा करने की भी बात हो सकती है। लेकिन जो चीज़ें एजेंडे में नहीं हैं लेकिन वो बड़ी बन सकती हैं, उसमें यह है कि जो सेबी प्रमुख पर आरोप लगाए थे हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने, उसको लेकर बोर्ड को जानकारी दी जा सकती है कि किस किस तरह के डिस्क्लोजर सेबी चेयरपर्सन की तरफ से शेयर किए गए थे और क्या नहीं शेयर किए गए थे। भविष्य में इस तरह की स्थिति ना पैदा हो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, साथ ही कर्मचारियों की तरफ से जो विरोध जताया गया था सेबी के, इस तरह की स्थिति कहीं भविष्य में फिर से ना पैदा हो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, साथ ही जो एफएनओ को लेकर के नियम कड़े करने की बात की गई थी जिसके ऊपर जिस पर डिस्कशन पेपर भी आया था, हालांकि एजेंडे का पार्ट नहीं है लेकिन बोर्ड को इसकी जानकारी दी जा सकती है कि इस पर क्या फीडबैक आया है, किस तरह की पॉलिसी जो है वो उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड में चर्चा होने और जिन पर फैसला होने की उम्मीद है।